नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पैट का स्टैटिक जीके पोर्शन कवर करेंगे। इस वीडियो से आपके दो नंबर फिक्स हो जाएंगे। वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर हमेशा प्रश्न बनता हुआ आया है और बनने की संभावना है, वो सारे टॉपिक मैं लेकर रखा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएँ, यहाँ से प्रश्न हमेशा आया है। जैसे 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, 1916 होम रूल लीग का निर्माण, 1916 मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट, 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन, 1919 रौलट अधिनियम, 1919 जलियावाला बाग हत्याकांड, 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है, 1920 खिलाफत आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चौरी चौरा कांड, 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन, 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 प्रथम गोल मेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा, 1932 पूना पैक्ट, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन, 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना, 1947 भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। इसे तैयार करने का एक ही ट्रिक है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कीजिए तो आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात उपकरण का नाम, खोजकर्ता देश इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, एम जे थॉमसन, कहाँ के थे, इंग्लैंड के। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन रदरफोर्ड इंग्लैंड। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ई से ईटा, इसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ठीक है, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड नाचे न्यूट्रॉन, ठीक है, चैडविक, आप लोग ऐसे शॉर्टली याद कर लीजिए। साइक्लोट्रॉन लॉरेंस ने, कहाँ के थे, अमेरिका। यूरेनियम मार्टिन क्लापोर्थ, जर्मनी के थे। नाभिक रदरफोर्ड। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी। ओजोन क्रिश्चियन सोनबीन, जर्मनी के थे। साइकिल की आविष्कार किसने किया, अगर आ गया साइकिल का आविष्कार किसने किया, जान के मैकमिलन, स्कॉटलैंड के थे। साइकिल टायर जान डनलप, ब्रिटेन के थे। मोटरसाइकिल जी डेमलर, जर्मनी के थे। स्कूटर का आविष्कार किसने किया, जी ब्रांडसा, ब्रिटेन। परमाणु संख्या, हेनरी मोसले इंग्लैंड के थे। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, इंग्लैंड के थे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु बम ऑटो हान, इंग्लैंड। परमाणु संरचना नील बोर रदरफोर्ड। रेडियो टेलीग्राफी डेविड एडवर्ड ह्यूज, ब्रिटेन के थे। रेडियो टेलीग्राफी जी मैक्रोनी। रेडियो धर्मिता एटोइन बैकरल, बैकरल याद कीजिए, बैकरल जैसे आए मार दीजिए। रेडियो सक्रियता हेनरी बैकरल। रेडियम मैडम क्यूरी। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। पीएच स्केल सारंसन।
हाइड्रोजन कैमेंडिस, नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड, प्लूटोनियम जीटी सीबॉग, मैग्नीशियम हम्फ्री डेवी, फोटोग्राफी का एल डेग्यूरे, फोटोग्राफी कागज डब्ल्यू फॉक्स टालवोट, फोटोग्राफी फिल्म जॉन कार्बट, ऑक्सीजन का कार्ल विलियम स्ली, अक्रिय गैस आर्गन रैमजे और रैले, थोरियम बर्जीलियस, टेलीविजन जॉन लॉगी इंग्लैंड के थे, टेलीविजन पीटी फॉन्सबर्थ, बैरोमीटर टोरसेली, रेल इंजन स्टीफेंसन जॉर्ज स्टीफेंसन ने कहाँ के थे यूके, भाप इंजन जेम्स वाट, भाप इंजन पिस्टन धाम न्यूकोमैन, डीजल इंजन रुडॉल्फ कार डीजल, लोकोमोटिव रेल रिचर्ड ट्रैकित थिक, रेल इंजन सर फ्रैंकलिन वेटले। अब हम देख लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार विजेता और वर्ष डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन 1954, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954, स्वपरली राधाकृष्णा 1954, सर मोक्ष गुंडम 1955, भगवान दास 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955, गोविंद वल्लभ पंत 1957, धोडो केशव कर्वे 1958, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, विधान चंद राय 1961, राजेंद्र प्रसाद 1962 में भारत रत्न पाए थे, जाकिर हुसैन 1963, पांडुरंग वामन काणे 1963, लाल बहादुर शास्त्री 1966, इंदिरा गांधी 1971, वराहगिरी वेंकटगिरी 1975, कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत पाए 1976, मदर टेरेसा 1980, आचार्य विनोबा भावे 1983, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987, मरुथुर गोपालन रामचंद्रन मरणोपरांत 1988, भीमराव अम्बेडकर 1990, नेशनल मंडेला 1990, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 मरणोपरांत, मोरारजी देसाई 1991, राजीव गांधी 1991 मरणोपरांत। ये सब आता है प्रश्न, ठीक है, स्टडी जीके के रूप में। जेआरटी टाटा 1992, सत्यजीत रे 1992, अब्दुल कलाम 1997, अवड़ा आसफ अली मरणोपरांत 1997, गुलजारी लाल नंदा 1997, ये सब मरणोपरांत पाए थे। जहाँ मरणोपरांत होगा वो जब वो मर गए उसके बाद मिला है। एम एस सुब्बलक्ष्मी 1998, चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण 1998, पंडित रविशंकर 1999, प्रोफेसर अमृत सेन 1999, गोपीनाथ बोरदोलई 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, लता मंगेशकर 2001, भीमसेन जोशी 2008, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव 2014, सचिन तेंदुलकर 2015, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, मदन मोहन मालवीय 2015, नानाजी देशमुख 2019 मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी 2019, भूपेन हजारिका 2019 मरणोपरांत पाए हैं। 2019 वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो मरणोपरांत पाए हैं आप उसे जरूर ध्यान दीजिए। रही बात अंतरिक्ष में मानव यात्रा से जुड़े प्रश्न, महत्वपूर्ण तत्व, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला पहला देश रूस, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, पहला भारतीय राकेश शर्मा, चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग, चंद्रमा पर
आदमी भेजने वाला पहला देश अमेरिका मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका, भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 10, मंगल ग्रह पर उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान ईगल, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यंत्र अपोलो 11, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला स्पेस शटल कोलंबिया, सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कार्ल जी हेंजे, सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री गैमरान तितोब, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम टीचर सैरिन क्रिस्टा मैकोलिफ अमेरिका का था, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला सैली राइड, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला श्रीवेतलाना सेविकत्या, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली यात्री वरेली पोलियाको, दो बार अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कर्नल बलामदीर कोमरो, राज्य एवं उनके लोक नृत्य मध्य प्रदेश पंडवानी गणनौर नृत्य, ये सब नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर हमेशा पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो पेट हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। असम में बिहू, उत्तर प्रदेश नौटंकी, क्योंकि ये असम वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, गुजरात गरबा, कर्नाटक यक्षगान, पंजाब भांगड़ा गिद्दा, राजस्थान कालबेलिया घूमर, तेरह हताली भवाई नृत्य, महाराष्ट्र तमाशा लावड़ी, उत्तराखंड कजरी छौलिया, जम्मू कश्मीर कूद दंडी नाच रूफ, हिमाचल प्रदेश छपेली दागी थाली, बिहार छऊ विदेशिया जाट जतिन, केरल कथकली मोहनी अट्टम, नागालैंड लेम छोंग, पश्चिम बंगाल जात्रा ढाली छाऊ, गोवा मंदी ढकनी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, झारखंड विदेशिया छऊ, उड़ीसा ओडिसी धुमरा, छत्तीसगढ़ पंथ नृत्य, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, आपको इसे जानकारी में रखना है। भारत के सात पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल, पिछली बार पेट में पूछा गया था एक प्रश्न यहाँ से, पड़ोसी देश की कौन कौन से सीमा लगता है, ऐसे एक आया था, चीन 3488 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, पाकिस्तान गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर, नेपाल का जो सीमा है 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तराखंड, म्यांमार 1643, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम मणिपुर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर POK, जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत भूटान 699 किलोमीटर की सीमा है, सिक्किम असम पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश, अनुसंधान और उनके मुख्यालय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय वन जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय पंछी शोध संस्थान इज्जत नगर, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान हैदराबाद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्री शोध संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, भारतीय मृदा विज्ञान प्रयागराज, केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान करनाल, भारतीय बागवानी अनुसंधान बंगलोर, भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण देहरादून, प्राकृत इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सलीम अली पश्चिम पंछी विहार
कहाँ पे है? केंद्र कोयम्बटूर, केंद्र कोयम्बटूर में है। भारतीय वनस्पत सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान झांसी, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम भेदशाला पूना, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद झारखंड, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगौड़ा कहाँ पे है? झारखंड में है। विभिन्न खेल तथा उनसे संबंधित ट्रॉफियाँ। हॉकी, भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ। आगा खां बेगम रसूल ट्रॉफी महिला, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेंटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियन ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी। ये सब क्या है? किस चीज़ का? बैडमिंटन। ये किस चीज़ का? हॉकी के लिए है ये, ठीक है। ये हॉकी के लिए था। कहाँ चला गया? ठीक है, फुटबॉल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं? डूरंड कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFL शील्ड। जैसे ये चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तीन ट्रॉफी दे देगा, बाकी एक कोई अदर ट्रॉफी दे देगा, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी दे देगा, तो आपको उसी में सेलेक्ट करना है कौन सा विषम है क्या है, ठीक है। सर आशुतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मरेंडिका कप, ये सब किससे संबंधित है? ये सब फुटबॉल से संबंधित है। रही बात क्रिकेट की, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू, रानी झांसी, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, GD बिड़ला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। टेनिस से रिलेटेड बन विले कप पुरुष, जयलक्ष्मी महिला के लिए, राजकुमारी चैलेंज जूनियर महिला, रामानुजन जूनियर पुरुष, ठीक है। बैडमिंटन के लिए नारंग कप, चड्ढा, अमृत दीवान। बास्केटबॉल के लिए बंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेंटन कप, ठीक है। ब्रिज के लिए, ब्रिज से संबंधित ट्रॉफी, राम निवास रुइया चैलेंज ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी। पोलो से संबंधित एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, ठीक है। राइडर कप, गोल्फ से राइडर इस्कट इन हिल कप, वाकर कप, ये सब किससे संबंधित हैं? गोल्फ से संबंधित हैं। रही बात कुछ रासायनिक सूत्र, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी मैं स्टैटिक GK में ले लिया हूँ। बाकी आप इतना तैयार कर लेंगे तो दो नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaSCO3, धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O, कास्टिक सोडा NaOH, फिटकरी K2SO4 .Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O, लाल दवा KMnO4, कास्टिक पोटास KOH, चूने का पानी KaCaOH का होल ट्वाइज जिप्सम CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1.5H2O, चाक CaCO3, चूना पत्थर CaCO3, संगमरमर CaCO3, नौसादर NH4Cl, लाफिंग गैस NH2N2O, लिथार्ज PBO, गैलेना PBS, सफ़ेद लेड 2PbCO3 का होल थ्राइस CO3 × 2PbCO3 × PbOH का होल ट्वाइस, नमक का अम्ल HCl, अम्ल राज HNO3 + HCl 1:3 का होना चाहिए, शुष्क बर्फ
CO2, हार्ड सिल्वर HCl, भारी जल D2O, प्रोड्यूसर गैस CO+N2, मार्स गैस CH4, सिरका CH3, COOH, अल्कोहल C2H5OH, चीनी C12H22O11, यूरिया NH2CO NH2, बेंजीन C6H6। आज मैं इतना ही कवर किया हूँ, बाकी ये सब आपको तैयार करना है, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए तभी ये सब तैयार होगा। बाकी तो मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा तैयार है, क्योंकि मैं वीडियो को इतनी बार बनाया कि तैयार हो गया। बाकी जो मैं पढ़ता हूँ वही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मात्र 15 दिन की रणनीति है, 15 से 20 दिन की रणनीति है, हमको पैट क्लियर करना है। अगर आपको भी कवर करना है, क्लियर करना है, देखो भैया हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, मास्टर प्रोफेसर नहीं बनना है, हमको क्या करना है, नौकरी लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो जो ऑथेंटिक जानकारी है उसी जानकारी को मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।